सभी आशा दीदी को मेरा नमस्कार है और स्वागत है हमारे संपूर्ण तैयारी चैनल में। और मैं आप लोगों के साथ फिर नए वीडियो लेकर के जुड़ गई हूँ। और मैं कुछ दिनों से डिस्टर्ब थी, आप लोगों के साथ मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। और मैं फिर से आप लोगों के साथ आ गई हूँ। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और मेरा सपोर्ट कीजिएगा। तो आशा दीदी, सभी मैं आशा करती हूँ कि सभी ब्लॉक में आप लोगों को हर घर दस्तक अभियान का सर्वे करने के लिए मिला होगा। तो आप लोगों को किस प्रकार से सर्वे करना है, जो कि हम लोगों को 1 जून 2024 से को मतदाता केंद्र पर जाने के लिए जागरूक करना है सभी गांव के मतदाताओं को, तो इसी के लिए हम लोग को सर्वे करने के लिए मिला है। तो हम लोग किस प्रकार से इस सर्वे को करेंगे, आप लोग इसको देखिए। तो हम लोग एक रजिस्टर लेंगे और उस रजिस्टर में इस प्रकार का कॉलम बना लेंगे, जो कि आप देख रही हैं। इस प्रकार का हम कॉलम बना लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम हम लोग बना लेंगे। और इसी तरह से बना करके हम लोग अपना सर्वे करेंगे, जो कि हमारे BCM सर और प्रभारी सर हम लोगों को आदेश दिए हुए हैं कि आप लोग हर घर दस्तक सर्वे को करके हम लोग को दीजिए। तो हम लोग को देना है, तो यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे, पहले ऐसा हम लोग कॉलम बना लेंगे, हर पेज में जितना भी आप लोगों का पेज होगा उसमें बना लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हर घर दस्तक अभियान प्रोग्राम। हम लोग हर घर दस्तक अभियान प्रोग्राम में हम लोग शामिल हो रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। तो हम लोग सर्वे बनाएंगे, यहाँ क्रम संख्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ क्रम संख्या लिखेंगे, यहाँ घर के मुखिया का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घर में कुल मतदाताओं का नाम। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि घर में कुल मतदाताओं का नाम, जितने भी मतदाता हैं उनका नाम। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मोबाइल नंबर, हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग हस्ताक्षर लिखेंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर लिखे। आशा करते हैं कि आप लोगों को हर ब्लॉक में सर्वे करने के लिए मिला हुआ है होगा, और नहीं मिला हुआ होगा, जिसको भी मिला हुआ होगा वो करेंगी, जिसको नहीं मिला हुआ है वो नहीं करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हम लोग लिखे। फिर उसके बाद इतना तो हम लोग तैयार कर लिए अपने रजिस्टर को, इतना तैयार कर लिए। उसके बाद हम लोग अपने क्षेत्र के एक नंबर घर में जाएंगे। एक नंबर घर में हम गए, तो एक नंबर घर में गए तो मान लीजिए कि यहाँ पर आ गए बीरेंद्र सिंह, ये घर के मुखिया हो गए, ये घर के मुखिया हो गए, जो कि घर में सबसे बड़े होते हैं उनको हम लोग घर के मुखिया कहते हैं, जो कि हमारा परिवार चलाता रहता है, जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, घर के एक मुखिया हम लोग बना लेते हैं। अब इनके घर में हम लोग पूछेंगे 18 से ऊपर उम्र वाले कितने आदमी हैं। इनसे हम लोग पूछेंगे कि 18 बरस से ऊपर उम्र के आपके घर में कितने सदस्य हैं, जो कि मतदान कर सकते हैं, जो कि अपना वोट दे सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि मेरे घर में 5 आदमी हैं, तो हम लोग 5ों का नाम लिखेंगे, तो उनका नाम पूछेंगे हम लोग। वो बोले मेरे घर में श्याम कुमार हैं, फिर यहाँ पर हैं मोहन कुमार हैं, फिर यहाँ पर सोहन कुमार हैं। आपका जो कुछ भी नाम होगा पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को इसी तरह से बता रही हूँ। फिर यहाँ राधे सिंह हैं, फिर यहाँ पर गीता देवी हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनको लिख लिए। लिखने के बाद इनका हम लोग मोबाइल नंबर लेंगे, इनका हम लोग मोबाइल नंबर लेंगे। तो मान लीजिए कि इतना आदमी है इनके घर में, बीरेंद्र सिंह के घर में इतना आदमी है, तो मान लीजिए कि हम एक ही किसी का नंबर मोबाइल नंबर ले लेंगे, पूरे सदस्य का हो जाएगा, नहीं तो अगर देना चाहते हैं तो किसी दो का ले लेंगे,
ठीक है, किसी एक का ही लेंगे या दो का भी ले सकते हैं हम लोग। फिर अगर घर में ये सारे सदस्य अगर मौजूद हैं तो सबका हस्ताक्षर करवा लेंगे। या मान लीजिए कि बीरेंद्र सिंह के घर में श्याम कुमार, मोहन कुमार, सोहन कुमार, राधे सिंह, गीता देवी, इतने लोग में से दो लोग कहीं बाहर गए हुए हैं, बस ये तीन ही लोग हैं, तो हम लोग तीन ही लोग का यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेंगे कि आप लोग यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर दीजिए। मान लीजिए सोहन कुमार हैं तो यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लीजिए, फिर राधे सिंह हैं तो उनका हस्ताक्षर करवा लीजिए, गीता सी देवी है तो उनका हस्ताक्षर करा लीजिए। तो इतना हम लोगों का ये हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को सर्वे करना है, ठीक है। तो एक चीज और है यहाँ पर कि घर में कुल मतदाताओं का नाम है, तो यहाँ पर हम लोग अगर उम्र डाल देते हैं एवं उम्र उम्र, तो हम लोगों को बहुत आसानी होगा। मान लीजिए कि श्याम कुमार 19 बरस के हैं, मोहन कुमार 20 बरस के हैं, इसी तरह से मतलब हम लोग उम्र भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर उम्र डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग उम्र जोड़ देते हैं तो और अच्छा हम लोगों को रहता है, तो ठीक है, इस तरह से करेंगे। फिर मान लीजिए कि हम दो नंबर घर में गए, यहाँ हम दो नंबर घर में गए, तो दो नंबर घर में गए तो यहाँ पर मान लीजिए कि मिल गए जगन्नाथ सिंह, ठीक है, ये घर के मुखिया हैं। तो घर के मुखिया हैं तो इसका इनका नाम हम लोग लिख लिए। इसके बाद इनके घर में भी पूछेंगे कि आपके घर में कितने सदस्य हैं जो कि 18 बरस से ऊपर उम्र के हैं और वोट दे सकते हैं, वोट अपना मत दे सकते। तो ये बोले कि मेरे घर में सिर्फ तीन आदमी हैं, तो तीनों का नाम बताइए। ये बोले कि ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं सीता देवी, और यहाँ हम लोग उम्र भी डाल देंगे, सीता देवी 35 बरस, यहाँ पर लिख दीजिए रीता देवी 40 बरस, यहाँ पर लिख दीजिए चंदन कुमार 22 बरस। तो ये तीन हैं। फिर इनका, इन तीनों में से किसी का अगर मोबाइल नंबर मिलता है तो आप लिख सकती हैं, या जगन्नाथ सिंह का ही मिलता है तो आप लिख सकती हैं। तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर किसी एक का या दो का लिख लेंगे, एक का भी मिलता है तो ठीक है, दो का भी मिलता है तो ठीक है। फिर अगर ये जगन्नाथ सिंह के यहाँ अगर हमारे सारे सदस्य मिल गए हैं तो इनसे सारे सदस्य से हस्ताक्षर हम करवा लेंगे, यहाँ पर हस्ताक्षर करवाएंगे, उनसे साइन करवाएंगे। यानी अगर ये रीता देवी पढ़ी लिखी नहीं है तो इनसे हम ठेपा अंगूठे का, अपना अंगूठा का ऐसे निशान ले लेंगे हम अंगूठे का, तो हम यहाँ पर अंगूठे का निशान ले सकते हैं। जो अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके अंगूठे का निशान ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग अपने क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे, फिर ऐसे तीन नंबर, चार नंबर, ऐसे करके हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा एक सर्वे कम्प्लीट हो रहा है, तो हम लोग इसको अपना रखेंगे। फिर शाम को हम लोग दीदी को रिपोर्ट देंगे, अपने फैसिलिटेटर दीदी को, कि दीदी आज हमने 10 घर घूमा है। रोज हम लोगों को 10 घर घूमना है, दीदी आज हम 10 घर घूमे हैं, इनको इसको गिनना है, और इसको गिन करके बोलिएगा कि दीदी हम 10 घर घूमे हैं, 10 घर में मेरे इतने सदस्य मिले हैं, जो कि यहाँ पर गिनिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आपका जितना भी 10 घर में सदस्य होगा उतना आप उसका रिपोर्टिंग अपने आशा फैसिलिटेटर दीदी को कर दीजिएगा। उसके बाद जब मतदाता का जो दिन आएगा 1 जून, तो हो सकता है हमारे प्रभारी सर या BCM सर इसको मांग भी सकते हैं कि आप लोग कहाँ से सर्वे, कैसे सर्वे की है, आप लोग दिखाइए, या इस प्रपत्र को आप लोग फोटो खींच करके भेजिए या हमको दिखाइए, तो इसको आप लोग दिखा दीजिएगा। और इसी तरह से आप लोगों को सर्वे करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसी तरह से अच्छे तरह से सर्वे कीजिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए, और मैं इसी तरह से आप लोग के लिए वीडियो डालती रहूंगी। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और मैं इसी तरह से आप लोग के लिए नए नए वीडियो डालती रहूंगी। मैं फिर आगे के लिए कुछ गुड न्यूज आप लोगों के लिए बताने जा रही हूँ, आप लोगों को जरूर बताऊंगी। आप लोगों का कुछ पैसा बढ़ा है तो मुझे पैसे की अभी जानकारी नहीं कि किस चीज पर कितना बढ़ा हुआ है, लेकिन बढ़ा है तो हम जानकारी लेकर के आप लोग को जरूर बताएंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।